नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। जिस तरीके के वो बयान दे रही हैं, वो उन्हें खासी लाइमलाइट में लेकर ही आ जाते हैं। आपको बताते चलें, समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ने के बाद जब अपर्णा ने बीजेपी ज्वाइन की थी, तब बहुत सारे लोगों ने उनकी तारीफ की, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि ये फैसला अपर्णा का गलत है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है और उसके बाद से ही ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि अपर्णा को योगी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठी है ये खबरें, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब के बीच अपर्णा यादव ने उन तमाम विरोधियों को करारा जवाब दिया है जो ये कहते थे कि अपर्णा यादव का कोई जनाधार नहीं है, कोई उनका ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो जनता को बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए मना सके या फिर उन्हें राजी कर सके। अब उन्हीं विरोधियों को जवाब देते हुए अपर्णा यादव ने अपना एक इंटरव्यू अपने ट्विटर पर साझा किया है, जिसमें वो ये बताती हुई नजर आ रही हैं कि जो लोग ये कहते थे मेरा कोई जनाधार नहीं है, आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां जहां जिस जिस जगह पर जाके मैंने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार किया, वो सभी कैंडिडेट्स जीत गए हैं। ये अपर्णा यादव का कहना है। अपने इस इंटरव्यू की क्लिप साझा करते हुए उन्होंने लिखा, जनता जनार्दन होती है, इस विधानसभा चुनाव की प्रचंड विजय ने यह साबित कर दिया है। और अपने इस ट्वीट में उन्होंने हमेशा की तरह बीजेपी को टैग किया है, नरेंद्र मोदी को टैग किया है, योगी आदित्यनाथ को टैग किया है। आपको बताते चले, अपर्णा यादव ने कई जगहों पर जाकर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जबरदस्त तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार किया। माना यह जा रहा था कि बीजेपी उनको लखनऊ कैंट से, जो कि उनकी पसंदीदा सीट थी, वहां से टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अपर्णा ने अपने तेवर बिल्कुल भी नर्म नहीं किए, कड़े तेवर अपनाते हुए वो नजर आई और उन्होंने बीजेपी के लिए जमकर प्रचार प्रसार किया और उसका नतीजा आप देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ने प्रचंड तरीके से जो जीत हासिल की है वो सबके सामने है। जनता का प्यार बीजेपी को मिला है और इसी कड़ी में अपर्णा यादव ने लगे हाथों उन तमाम विरोधियों को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। वैसे आपको बताते चले, लगभग हर मुद्दे पर अपर्णा बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं। हमने खुद जब अपर्णा से चुनावों के दौरान बात की थी तो उनसे सवाल हुआ था कि अगर योगी सरकार की वापसी होती है तो क्या उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सुनिए इस पर अपर्णा ने क्या जवाब दिया। तो अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर मैं तो अगर ही लगाऊंगी क्योंकि मैं पत्रकार हूं, बीजेपी की वापसी होती है, योगी सरकार बनती है, तो कैबिनेट मंत्री आपको बनाया जा सकता है, ये खबरें हैं। देखिए, अगर आशीर्वाद मिलेगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का तो क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाएंगे। बाकी सब कुछ मैं शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ चुकी हूँ, जैसा वो कहेंगे वो कर रही हूँ। अभी उन्होंने जो जिम्मेदारी जिलों की दी है मुझे प्रचार करने की, प्रसार करने की, वो मैं कर रही हूँ। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी पार्टी के साथ हूँ जी। सपा में रहते हुए भी आप जनता की सेवा कर सकती थी, सिर्फ विचारधारा ही एक मकसद था या फिर एक होता है ना अपर्णा कि मैं भी कहीं जाऊंगी तो एक उम्मीद के साथ जाऊंगी, कोई भी जाएगा आगे स्विच करेगा एक उम्मीद के साथ करेगा, क्या उम्मीद थी वो उम्मीद टूटी? राष्ट्र से बड़ी उम्मीद हो सकती है किसी भी युवा के लिए। आपके लिए कोई इरादा नहीं था कि मुझे भी किसी सीट से टिकट मिले? पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है और अपर्णा यादव को सेवा करनी थी, मैं वहाँ भी कर रही थी क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र की बात थी, इसलिए मैं यहाँ। सिंपल इज द थ्योरी। अच्छा, एक विपक्ष का आरोप हमेशा रहता है बीजेपी पर, आपने बहुत बार सुना होगा, वो आरोप होता है कि बीजेपी ने इन 5 सालों में यूपी में कोई काम नहीं किया। लगता तो मोदी सरकार पर भी आरोप कि कुछ काम नहीं हुआ, सब प्राइवेटाइज कर दिया, मंदिर मस्जिद के ये मुद्दे रह गए हैं, तो उन लोगों को क्या जवाब देंगी? लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि पूछिएगा ये सवाल, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में था कि रोजगार पर चुप है सरकार, कुछ नहीं है। 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी, किसने दी? योगी जी ने दी, योगी सरकार ने दी। आप बताइए, 6-6 एक्सप्रेसवे बनवाने का किसने काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उसमें हुआ। 6-6 एक्सप्रेसवे, नमामि गंगे, तब पाद पंकज, तब कस्में खाते हैं गंगा की। नमामि गंगे जो हमारा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो रिवर क्लीनिंग पे हो, वो सारी चीज़ें हुई। और तीसरी बात, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ, कोरोना जो फेज़ आया है, कोई और पार्टी अगर इस प्रदेश में होती संभाल नहीं पाते वो लोग, जिस तरह से मैनेजमेंट हुआ है कोरोना का, क्योंकि इट वाज पूरे, मतलब एक तरह से आप देखिए, चाहे राशन बांटने का काम हो सरकार का, देखिए उसमें स्वयंसेवी भी बहुत सारे लोग लगे थे,
पर राशन बांटने का काम हो, लोगों से यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम हो, एक स्ट्रिक्ट व्यवस्था रखने का काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सारी चीज़ें जो है योगी जी की सरकार में हुआ है। महिलाओं के लिए कितने अच्छे काम हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जितनी भी व्यवस्थाएं हुई हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत हो, चाहे वो आपको डबल राशन मिलने का काम हो, चाहे आपको जो है जो शेरनी दल बने हैं अभी, आप ये बताइए ना, प्रधानमंत्री जी तो बार बार इस बात को कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति हम पे टिप्पणी करके देखे और हमारे कामों की लिस्ट उठा करके देखे, अपने आप फर्क साफ हो जाएगा। और मैं बताती हूँ, ये विपक्ष का आरोप हमेशा लगता रहा, जो आप कह रहे हैं मस्जिद और मंदिर वाली बात, राम मंदिर का जो इशू था ये जब भी उठा तब सरकारें औरों की थी, मगर बनाया किसने और बना कौन रहा है, ये राम मंदिर इस सरकार में बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के उसमें उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये एक बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है।